9.5.1 लोहे का धातु कर्म मेटलर्जी ऑफ आयरन। छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 है। अयस्क को खदानों से प्राप्त करने के पश्चात उसे कूटकर क्रशर या स्टैम्प मिल द्वारा महीन चूर्ण में बदला जाता है तथा गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के पश्चात अयस्क का भर्जन करते हैं, जिससे अयस्क में उपस्थित आर्सेनिक और सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड बनाकर दूर हो जाती हैं। अयस्क रंध्रमय हो जाता है, जिससे उसका धातु में अपचयन सुविधाजनक हो जाता है। 4As plus thrice O2 is equal to twice As2O3 gas. S plus O2 is equal to SO2 gas. अयस्क में मुख्यतः रेत अशुद्धि के रूप में पाई जाती है, जिसे प्रगलन के समय चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट की सहायता से हटाया जाता है। लोहे के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन, कोक या एंथ्रासाइट द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिक तापमान लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अगर यह प्रक्रिया रुक रुक कर की जाए तो मिश्रण को बार बार गर्म करने से ऊष्मा का अपव्यय होता है। इसलिए प्रगलन की एक बड़ी वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में निरंतर किया जाता है। चित्र 8। वात्या भट्टी इस्पात की बनी बेलनाकार भट्टी होती है और इसकी भीतरी सतह पर अग्नि सह ईंटों का अस्तर लगा होता है। बीच में चौड़े स्थान पर नलियां होती हैं, जिसके द्वारा भट्टी में गर्म हवा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस भेजी जाती है। भट्टी के ऊपरे सिरे से अभिक्रिया में बनी गैसें निकलने का मार्ग होता है। निचले भाग में दो छिद्र होते हैं, जिनमें से ऊपरी छिद्र से धातुमल तथा निचले छिद्र से पिघली धातु निकाली जाती है। भर्जित अयस्क को चूना पत्थर तथा कोक के साथ मिलाकर वात्या भट्टी में ऊपर से डाला जाता है और नीचे से गर्म हवा भेजी जाती है। वात्या भट्टी में तापमान एक समान नहीं रहता। जैसे जैसे अयस्क, चूना पत्थर तथा कोक नीचे की ओर जाते हैं, उन्हें तापमान के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। चूंकि कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है, अतः बचा हुआ कोक बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः क्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। कोक की कुछ मात्रा ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाती है। इस प्रक्रिया से भट्टी में उच्च ताप 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। C plus O2 is equal to CO2 gas. CO2 plus C is equal to twice CO gas. Twice C plus O2 is equal to twice CO gas. ऑक्साइड अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कर आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। Fe2O3 plus thrice CO is equal to 2Fe plus thrice CO2 gas. इस अभिक्रिया के कारण भट्टी का ताप उच्च बना रहता है, अतः कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं जाने दिया जाता और पुनः भट्टी में भेज दिया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड कोक से पुनः क्रिया करती है। कुछ मात्रा में हेमेटाइट भी कोक के साथ अभिक्रिया करके लोहा और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। Fe2O3 plus thrice C is equal to twice Fe plus thrice CO gas. भट्टी में उच्च ताप 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस पर चूना पत्थर का विघटन होता है और वह अन्न बुझा चूना
कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए चूना पत्थर की सीमित मात्रा ही भट्टी में डाली जाती है। अधिक मात्रा में उपयोग से ऊष्मा की हानि होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे गालक फ्लक्स कहते हैं। यह सिलिका से अभिक्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जिसे धातु मल स्लैग कहते हैं। CaCO3 गर्म करने पर CaO धन CO2, CaO गालक धन SiO2 अशुद्धि, गर्म करने पर CaSiO3 धातु मल। भट्टी का ताप 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस होने के कारण लोहा तथा कैल्शियम सिलिकेट पिघली हुई अवस्था में ही रहते हैं। दोनों के घनत्वों में अंतर होने के कारण यह भट्टी की तली में दो परतों के रूप में एकत्रित होते जाते हैं, जिन्हें समय समय पर अलग अलग तलों पर स्थित निकास द्वार से निकाला जाता है। वात्या भट्टी से प्राप्त इस लोहे में काफी मात्रा में कार्बन मिला होता है, जिसे कच्चा लोहा पिग आयरन कहते हैं। इसे अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहे का निर्माण किया जाता है, जैसे ढलवा लोहा कास्ट आयरन तथा पिटवा लोहा रॉट आयरन। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प कला में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में लौह युक्त पत्थरों को तोड़कर कोयले के साथ मिलाकर छाना भट्टी में गलाकर लोहा बनाया जाता था। आज भी कहीं कहीं विशेष प्रकार के पत्थर से लोहा निकालकर कलाकृतियां बनाने का कार्य किया जाता है। अधिकांशतः अब बाजार से ही लोहा खरीदकर एवं कटिंग कर भट्टी में गर्म किया जाता है तथा उससे घर में उपयोग आने वाली तथा सजावटी वस्तुएं जैसे छुरी, चिमटा, चाकू, कुल्हाड़ी, कजरौती के लिए दीप स्तंभ, घोड़ा, हिरण, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। बस्तर के लौह शिल्प में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए पारंपरिक रूप से कलात्मक कृतियों का निर्माण किया जाता है। लौह शिल्प से दरवाजे, खिड़कियां, झूले आदि बनाए जाते हैं। डोकरा शिल्प में शिल्पी द्वारा कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाया जाता है तथा इसे भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डाली जाती है। पीतल मोम का स्थान ले लेती है और उस पर आकृति तैयार हो जाती है। इससे देवी देवता, हाथी, घोड़े, बैल आदि सजावटी सामग्री तैयार की जाती है। डोकरा शिल्प रायगढ़, कोंडागांव, बस्तर आदि क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। इससे गौर का सींग, मुकुट, दरवाजे के हैंडल आदि भी बनाए जाते हैं।